रोज की तरह आज भी मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर तीन बड़ी खबरें या फिर कह ली तीन बहुत बड़े अपडेट बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो तीन ही बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन और आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की या फिर कह ले पहली बड़ी अपडेट की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। बड़ी अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी जॉफ्रे आर्चर की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों जॉफ्रे आर्चर को अगर एमआई की टीम रिटेन कर लेती है तो कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है और काफी सारे न्यूज वेबसाइट का मानना है कि एमआई की टीम जॉफ्रे आर्चर के लिए एक और बैकअप प्लेयर को हमें परचेज करते हुए मिनी ऑप्शन के अंदर दिखने वाले। जहां दोस्तों अगर एमआई की टीम रिटेन कर लेती है जॉफ्रे आर्चर को आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले, तो एमआई की टीम जॉफ्रे आर्चर का एक बैकअप हमें लेके उतरते हुए आईपीएल 2023 के सीजन में दिखने वाली है। तो आर्चर की तरफ से काफी बड़ा अपडेट बाहर निकल कर आ रहा था। वैसे आपके अकॉर्डिंग एमआई की टीम को जॉफ्रे आर्चर को रिटेन करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आने वाले दो तीन दिन के अंदर हमें जो मिनी आईपीएल का ऑक्शन है वो भी होते हुए दिखने वाले, और अगर आपको भी मिनी आईपीएल का जो ऑक्शन है वो बिल्कुल फ्री में देखना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आसानी से मिलने वाली है। वहां जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वो लिंक काम नहीं करते तो आपको टेलीग्राम पर जाना और सर्च कर लेना है ओनली ऑन क्रिकेट, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और वहां पर हम मुंबई इंडियंस की टीम से रिलेटेड और एमआई की टीम का कौन सा हेड कोच बनने वाला है नया आईपीएल 2023 के सीजन के लिए उसकी सारी बड़ी खबरें वहां पर पहुंचा रहे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। यह बड़ी खबर मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर कौन से चेंजेस होने वाले आईपीएल 2023 के सीजन में उसकी तरफ से निकल कर आ रहे। दरअसल दोस्तों हमें तीन से चार चेंजेस एमआई की टीम के अंदर होते हुए दिखने वाले, और इस पर आपको डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जी हां दोस्तों, अभी तो मिनी ऑप्शन भी नहीं हुआ और एमआई की टीम ने काफी सारे चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए अपनी टीम के अंदर, तो आपको डिटेल वीडियो चाहिए या फिर नहीं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि एमआई की टीम कौन से चेंजेस अपनी टीम में करने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर रोहित शर्मा की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों एमआई की टीम ने अपना हेड कोच है वो बदल दिया है, और अभी तक रोहित शर्मा का इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया ना ये रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर कुछ किया है, तो हमें रोहित शर्मा भी अब इस पर जवाब देते हुए दिखने वाले कि एमआई की टीम का सही फैसला था या फिर नहीं। हालांकि रोहित शर्मा की भी हामी होंगी इसके अंदर के एमआई की टीम ने महिला जयवर्धनी को अपने जो हेड कोच थे उनको निकाल दिया अपनी टीम से। एमआई की टीम ने निकाला तो नहीं लेकिन प्रमोट कर दिया है महिला जयवर्धनी को, अब हमें ग्लोबली महिला जयवर्धनी एमआई की टीम के हेड कोच के तौर पर नजर आने वाले आईपीएल छोड़कर, तो इस पर हमें रोहित शर्मा का भी बयान आते हुए दिखने वाले आखिर एमआई की टीम ने सही फैसला लिया या फिर नहीं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों ये काफी बड़े अपडेट एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रहे थे, तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।